इट्स ट नीदा शुक्ला बच्चों बहुत बड़ी खुशखबरी है आपका फाइनली नीट का सिलेबस आ चुका है और नीट ने नी अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है जो रिड्यूस सिलेबस है वो आपका एन टी एन एम सी की वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है बट क्या सच में जो सिलेबस एन एम सी ने अपलोड किया है वो आपकी नई एन सी आर टी से मैच कर रहा है क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि यार जो नई एन सी आर टी से फॉलो करना है बट अगर आप ध्यान से एन टी ए ने जो सिलेबस दिया है एन सी ने जो सिलेबस दिया अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे देर आर मैनी डिफरेंसेस जो कि आपकी नई एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक नहीं है फिर भी आपके एनएमसी की ऑफिशियल जो सिलेबस उन्होंने अपडेट किया उसमें है तो ये कुछ कंट्रोडिक्टी बातें आज हम लोग करने वाले हैं आई नो मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस न्यूज स्टिल आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो बिकॉज देर आर टू थ्री रीजन सबसे पहले तो आपको अपडेट बतानी है अपडेट ये बतानी है कि नेट का ट्वेंटी का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है अब इसका मतलब क्या है मतलब ये है कि बेटा अभी इस ईयर में अभी सीबीएसई ने क्या किया था अपनी एक नई एनसीआरटी बनाई थी जो कि 10 साल 12 साल में बदलती है तो पहले क्या होता था जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ की हमारी एनसीआर थी उसमें 97 चैप्टर थे ठीक है और इस वक्त 79 चैप्टर्स हैं ये क्या है ये हमारी नई एनसीईआरटी जो कि पब्लिश कब हुई इस ईयर आई है एडिटेड है रिवाइज्ड एडिशन आया है 2024 में तो सीबीएसई ने तो फाइनल कर दिया था कि उनके जो बोर्ड एग्जाम होंगे जो स्कूल एग्जाम होंगे वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होंगे तो बेसिकली 79 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही होंगे बट एनटी और एनएमसी ने नीट के सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बोला था कि हाँ वो पुरानी एनसीआरटी फॉलो करेंगे नाइनटी या सेवेंटी बट अभी उन्होंने कन्फर्म किया है दट दे विल भी फॉलोइंग न्यू एनसीआरटी विच इज बेसिकली सेवेंटी बट उन्होंने क्या किया है एनएमसी के अगर आप ऑफिशियल साइट पर देखोगे तो उन्होंने एक सिलेबस अपडेट किया है लेकिन इस सिलेबस में कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कि आपकी न्यू एनसीआरटी में नहीं है इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी आई एल बी जम्पिंग यू नो बायोलॉजी एक्सपर्ट्स वुड लव टू टॉक ओनली अबाउट बायोलॉजी सो आते हैं डायरेक्ट हम आपको बायोलॉजी की कुछ चीजें दिखाते हैं अगर आप ये देखो सामने हमें दिख रहा है ये दिखा देते हैं सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे कुछ फैमिलीज अगर आप देखेंगे टू वे डील विद द फैमिलीज मालवेसी क्रूसीफेरेसी लेग्यूमिनेसी कंपोजिटी ग्रामिनी दिस इज नॉट इन एनसीआरटी फ्रॉम वेयर दे हैव पिक्ड इट तो अब आता है बड़ा सवाल कि मैम किया क्या जाए ठीक है कहां से एक्स्ट्रा चीजें लाई हैं अगर आप ध्यान से देखो फ्रॉग को इंसेक्ट बना दिया है कुछ भी फ्रॉग एम्फीबियन है तो चलिए ये तो समझ आ रहा है कि ये एक मिस्टेक है बट क्या ये भी एक मिस्टेक है क्या ये भी एक मिस्टेक है या फिर सच में ये सही है यहां पे दिया पर दिए डेल्ट अलॉन्ग विदिलिवेंट प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस मतलब इसके जो प्रैक्टिकल होंगे उसके सिलेबस से आपको इन चीजों को भी ध्यान देना है तो अभी जितना मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअली दिस तो आई कैन से फॉर श्योर कि ये एक मिस्टेक है बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट दैट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एज वेल क्योंकि इसमें से कुछ कुछ के आपके प्रैक्टिकल आपके क्लास एलेवन ट्वेल्थ में आपके कराए जाते हैं uh, कई सारे स्टेट बोर्ड में भी कराए जाते हैं सो so, ये एक देखना है बट हमारी उम्मीद यही है कि एक मिनट बेटा हमारी उम्मीद यही है कि ये सिलेबस जो है आपका वो रिवाइज्ड सिलेबस आए ठीक है आपकी जो एन है एक फिर से सिलेबस को अपडेट करें और हाई चांसेस है कि वो एक नया फाइल फॉर्मेट आपका अपडेट करेगी और जल्द ज्यादा ज़्यादा तक वो लोग 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लेते हैं तो लेट्स सी हाउ इट गोज बाय द वे इन छोटे छोटे पॉइंटर्स को ध्यान देते हुए इसको आप अगर आप साइड में करें तो आप अपने जो सिलेबस है इसको ध्यान से देखें सिलेबस की पी हम यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देख लो और भाई गुड न्यूज तो है इसके लिए एकदम मतलब तैयार हो जाओ क्योंकि समझ लो अगर सिलेबस रिड्यूस हो रहा है मतलब कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ रहा है ये तो फिक्स है ठीक है तो एकदम जी जान लगा दो अपनी मेहनत कर दो सोचो आपके एक साल पहले बच्चे आपसे 20 चैप्टर पच्चीस चैप्टर ज्यादा पढ़ते थे आप उनसे कम पढ़ रहे हो तो भाई मेहनत करो ना वक्त आपके पास उतना ही है ठीक है सो गिव योर बेस्ट और एकदम फोड़ दो कट ऑफ तो हाई जानी ही जानी है ठीक है तो बच्चों ऑल द बेस्ट और अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो बस हार्ट बना दो और क्या चाहिए सी यू ओ नो एक्चुअली आई हैव वन मोर गुड न्यूज विच इज विच इज वॉट विच इज आई ओ क्यू एम रैंकर्स रिवॉर्ड जितने भी बेटा अगर ओलंपियाड में टॉप किया है आप नीचे में दिया हुआ फॉर्म है उसको फिल कर दो रजिस्टर कर दो क्योंकि आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं और आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने निकाला है ठीक है तो जिसने भी निकाला है विदाउट एनी हेजिटेशन फिल द फॉर्म एंड गेट यूर रिवॉर्ड बिकॉज यू डिजर्व इट ठीक है एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट नाउ इट्स टाइम फॉर अपडेट नाउ इट्स टाइम फॉर माई अपडेट विच इज दैट uh, कंपटीशन अगर बढ़ गया है तो मेहनत तो बढ़ानी पड़ेगी और आपकी मेहनत बढ़े तो हमारी कैसे नहीं बढ़ी है तो अभी हमने क्या किया इस बार हम लोग हर एक टॉपिक के स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं और आज से शुरू कर रहे हैं तो बेसिकली नाइन फोर्टी पे नाइन फोर्टी पीएम पे हम क्या करने वाले हैं आपके लिए एक सेशन लाने वाले हैं किस दिन वेंसडे एंड सैटरडे यहां पे हम कराएंगे पीवाई क्यूज लाइव एंड टॉपिक वाइज और इतना समझ लो जो बच्चे हमारी ये पी वाई क्यूज और क्लासेस की क्वेश्चन की सेशन जो अटेंड कर रहा है आई कैन गारंटी यू कि अगर आप मार्च तक के सेशन अटेंड कर रहे हैं आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं हफ्ते में दो क्लास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक क्वेश्चन आपका इसके बाहर से आएगा नहीं आपके जो भी सेशन हम आप आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस करा रहे हैं आप आइए और अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट में बायो नहीं होने वाली है तो ये भ्रम को हटा दें क्योंकि बायो भी कॉम्पिटिशन लेवल की हो चुकी है एनसीआरटी के हिडन क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन रिपीट कम हो रहे हैं ठीक है तो मिलते हैं क्लास में बहुत मजा आएगा फोड़ते हैं आज है ना तो शेयर कर दो और नीचे में हम नाइन सेशन के भी लिंक हम ऐड करा दे रहे हैं ओके सो टाटा बाय सी यू